गूगल वेब स्टोरीज क्या होती है, इसकी गाइडलाइंस क्या है, डिस्कवर के अंदर कैसे शो करेगी, फ्री थीम्स कौन सी और ब्लॉगर के अंदर इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर दे चुका हूं। अब मेरे पास एक और कमेंट आने लग गया कि भाई हम इसे वर्डप्रेस में कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, प्लगइन्स में जाना है, एड न्यू पे क्लिक करेंगे और सर्च में लिखेंगे वेब स्टोरीज। वेब स्टोरीज इस प्लगइन को आपने इंस्टॉल करना है और ये गूगल का प्लगइन है, 30,000 से ज्यादा इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन हो चुकी है। जितने में ये इंस्टॉल हो रहा है उतने में आप चैनल में जाए, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। इंस्टॉल होने के बाद आपने इसे एक्टिवेट करना है। प्लगइन ऐड होने के बाद आपके लेफ्ट साइड में स्टोरी का एक सेक्शन आ जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएगी। यहाँ पर लिखा है एड न्यू, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके और भी फीचर्स है वो थोड़ी देर में बताऊंगा, पर वेब स्टोरीज को कैसे क्रिएट करते हैं सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। यहाँ पर इन्होंने क्विक टिप्स दे रखी है कि आप अपनी वेब स्टोरीज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड की। यहाँ पे बैकग्राउंड की ऑप्शन है चेंज बैकग्राउंड कलर। इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने की। मैंने सर्कल पे क्लिक करा और यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड के कलर को सॉलिड रखना चाहते हैं तो यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट करें। नीचे आपको एक कस्टम की ऑप्शन दिख रही है, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलेगी। सबसे पहले आपकी सॉलिड कलर है, उसके बाद अगर आप डबल कलर ग्रेडियंट चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे रेडियल, बीच में आपको एक सर्कल सा दिखाई दे रहा है, उसके कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं। ये तो थी हमारी बैकग्राउंड कलर की बात। अगर आप बैकग्राउंड में कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, मीडिया की ऑप्शन मिलेगी, मतलब कि आपके वर्डप्रेस के अंदर जो भी आपकी इमेज है उसको आप क्लिक करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं और उसके बाद इसकी अलाइनमेंट किस हिसाब से करनी है ईजिली आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे रोटेट करें, नहीं तो अपने कीबोर्ड में डिलीट का बटन प्रेस करें जिससे आपकी वो इमेज डिलीट हो जाएगी। और अगर आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस को डाउनलोड करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने इस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ जितनी भी इमेजेस आ रही है यहाँ पर सारी कॉपीराइट फ्री इमेजेस आ रही है, और इसकी अलाइनमेंट आप अपने अकॉर्डिंगली ज़रूर करें। ऑलरेडी इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, पर कितनी ऐसी इमेजेस होती है जिसके अंदर टेक्स्ट नहीं लिखा होता, तो मैं आपको उसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक स्लाइड पे मैंने अपनी इमेज ऐड कर दी, आप देखेंगे पेज मेरा वन शो कर रहा है और ये जो आप प्लस का साइन देख रहे हैं मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, मैंने वीडियो के ऊपर क्लिक करा और जो वीडियो आपको पसंद आ रहा है जस्ट आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे मैंने आपको बताया ठीक उसी तरीके से आप इसकी अलाइनमेंट ज़रूर करें। फर्स्ट स्लाइड पे हमने इमेज को ऐड करा, सेकंड स्लाइड पे हमने वीडियो ऐड करा, अब यहाँ से मैं थर्ड स्लाइड लूँगा और यहाँ से GIF को भी यूज़ करके दिखाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर क्लिक करा और यहाँ से मैं इसके अकॉर्डिंगली इसको सेट करूँगा। मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल दिखा दिए, GIF, वीडियो और इमेज। अब इसके अंदर आपने टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, आप देखेंगे टेक्स्ट की ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर ये छोटा सा प्लस आप देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट टेक्स्ट यहाँ पे शो करने लग जाएगा। मैं अभी इसे डिलीट कर रहा हूँ, पर यहाँ से आप टाइटल 1, 2, 3 पैराग्राफ इस तरह से भी ले सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी एक मैसेज लिखा हुआ है उसको जस्ट आप एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर क्लिक करा और आप देखेंगे ये मेरा यहाँ पे आके स्टिक हो चुका है। अब इसमें से मुझे कोई भी चीज़ अगर एडिट करनी है तो मैंने जस्ट डबल क्लिक करा और उसके बाद मैं यहां से उसे एडिट कर दूंगा। यहां पे आप देखेंगे आप अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं और टेक्स्ट को कैसे आपने अलाइन करना है, सेंटर करना है या फिर टेक्स्ट का जो पोजीशन है उसको सेंटर करना है। यहां से आपका फॉन्ट कौन सा होना चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं, रेगुलर होना चाहिए आपका, मीडियम, सेमी बोल्ड। यहां से आपको टेक्स्ट को एडिट करने के लिए सारी ऑप्शंस मिलेगी। फॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए कम ज्यादा आप यहां से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारी चीजें आपको यहां से मिलेगी। अगर मैं टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड लगाना चाहता हूं तो यहां पे आप देखेंगे नन पे ये सिलेक्ट है और जैसे ही मैं फिल पे सिलेक्ट करूंगा मेरा बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। अब बैकग्राउंड का कलर कौन सा होना चाहिए मैं यहां से उसको सिलेक्ट कर सकता हूं। टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए उसके लिए मैं यहां से क्लिक करूंगा और अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर दूंगा। और ठीक इसी तरह से टेक्स्ट आप अपने वीडियो में भी लगा सकते हैं और GIF में भी लगा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ फीचर्स के बारे में बता रहा हूं जिससे आपके लिए गूगल वेब स्टोरी को क्रिएट करना
बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको शेप स्टिकर्स मतलब एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक लगाना चाहते हैं तो यूट्यूब के आइकन पे आपने क्लिक करना है, या किसी भी टेक्स्ट पे आप लिंक लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको लिंक की ऑप्शन मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने यूट्यूब चैनल या अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करा है, और ठीक ऐसे ही अगर आप अपने टेक्स्ट पे भी लिंक ऐड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ से आपको लिंक की ऑप्शन मिल रही है। अगर आप इन बटन्स में या टेक्स्ट में किसी भी तरह की कोई एनिमेशन चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है। एनिमेशन के नीचे नन लिखा हुआ है और यहाँ से आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने स्केल इन पे क्लिक करा, आप देखेंगे मेरी एनिमेशन स्टार्ट हो चुकी है। मैं एक बार स्केल आउट पे क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, बटन के ऊपर, इमेज के ऊपर एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको लेयर्स की ऑप्शन मिल रही है। जो भी चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हो उसकी लेयर यहाँ क्रिएट हो रही है, और उसके बाद लास्ट हमारी जो ऑप्शन है इसमें आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इनके पेज टेम्पलेट्स ऑलरेडी क्रिएट करे हैं, जिनको आप एडिट करके अपनी वेब स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई फूड की वेबसाइट है, मैंने सिर्फ इसके अंदर क्लिक करा और इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ चेंज करूंगा टेक्स्ट में और अपनी वेबसाइट का या फिर अपने उस पेज का लिंक दे दूंगा जिसमें मैं अपना ट्रैफिक ले जाना चाहता हूँ। उस लिंक को कॉपी करा और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। आप चाहे तो बॉर्डर भी इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने 5 को प्रेस करा और एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉर्डर बन गया। 50 बहुत ज़्यादा होता है, मैंने सिर्फ 5 को करा और आप देखेंगे टेक्स्ट के आसपास एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह के फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे जिससे आप अपनी वेब स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। पर अभी वीडियो को स्टॉप मत करना, क्योंकि इसके अंदर गूगल एडसेंस की एड्स को कैसे लगाएंगे, इसको पब्लिश कैसे करेंगे, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स की आपको ऑप्शन मिल रही है, इसके अंदर आपने जाना है। अगर आप इसे डायरेक्ट पब्लिक करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसी पे सेट रहने दे। प्राइवेट करना चाहते हैं तो इस पे टिक करें। पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं तो इस पे टिक करके अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पर इन दोनों का कोई यूज नहीं है, मैं यही प्रेफर करूंगा आप इसे डायरेक्ट पब्लिश करें। यहाँ पर आप इसका शेड्यूल भी सेट करना चाहे तो कर सकते हैं, डेट और टाइमिंग्स के साथ, AM PM जो भी आप टाइम रखना चाहे। अब सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पोस्टर इमेज देनी है, मतलब आपकी जो वेब स्टोरी है उसका मेन पेज कैसे होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपनी मीडिया लाइब्रेरी से नहीं तो अपलोड करके भी आप अपने पोस्टर को यहाँ पे ऐड करें। और यहाँ पे इन्होंने डायमेंशन दिए 640x853 पिक्सल की डायमेंशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी उससे कम या ज्यादा होगी तो ये आपको क्रॉप करने की ऑप्शन देगा। जो एरिया आपको पसंद है, सुटेबल है, उस एरिया को आप सिलेक्ट करें और नीचे क्रॉप इमेज लिखा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा पोस्टर लग चुका है, अभी तक लोगो नहीं है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, एड न्यू में जाना है और यहाँ से आपको अपना एक लोगो क्रिएट करना है। अगर ऑलरेडी आप क्रिएट कर चुके तो जस्ट आपने उसको ऐड करना है। आप देखेंगे मेरा लोगो भी ऐड हो गया। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है अपनी वेब स्टोरी से रिलेटेड। यहाँ से आप परमालिंक को चेंज करें। अभी आप देखेंगे इस तरह का परमालिंक आ रहा है, मैं यहाँ से फूड एंड स्टफ लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपना परमालिंक खुद क्रिएट करा है और उसके बाद नीचे आ रहा है बैकग्राउंड ऑडियो। अगर आप इसके अंदर वॉइस ओवर करना चाहते हैं, किसी तरह का भी कोई कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डालना चाहते हैं, अपने मोबाइल या लैपटॉप में रिकॉर्ड करें और अपलोड एन ऑडियो फाइल के ऊपर क्लिक करके यहां से अपलोड करें। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपने शेड्यूल के बटन पे क्लिक करना है। अब यहां से अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू टू पब्लिश के ऊपर आप क्लिक करेंगे। और यहां पर आप देखेंगे मेरी स्टोरी पब्लिश हो चुकी है। व्यू स्टोरी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से आपको मेरी स्टोरी दिख जाएगी। अभी इसमें मैंने सिर्फ 4 पेज क्रिएट करे, ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं ये स्लाइड चल रही है, तो जैसे ही स्लाइड फिनिश होगी मेरी नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट हो जाएगी। और जो मेरी स्टोरी का URL है वो ये वाला है, इसको आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। गूगल एडसेंस की एड्स कैसे लगाएंगे और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, उसके लिए आपने स्टोरीज में जाना है और सेटिंग्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने गूगल एनालिटिक्स का कोड लगाएंगे। आपने जो अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के अंदर रजिस्टर करा है, सेम उसी वेबसाइट के कोड को आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर आपको गूगल एनालिटिक्स के बारे में नहीं पता तो यूट्यूब में जाए, गूगल एनालिटिक्स टेक्नो वेदांत लिखे, फर्स्ट वाले वीडियो को देख के आप अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स में रजिस्टर कर सकते हैं और उसके कोड को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करें। लोगो में अपना ऐड कर चुका हूँ और सबसे नीचे आपको मोनेटाइजेशन की ऑप्शन मिल रही है। नन की जगह आपने गूगल एडसेंस को सिलेक्ट करना है और आपके पास दो ऑप्शन आएगी, पब्लिशर आईडी और स्लॉट आईडी। पब्लिशर आईडी हमेशा PUB
या फिर CAPUB से स्टार्ट होगी और उसके बाद स्लॉट आईडी। जब भी हम गूगल एडसेंस में अपनी एड्स को क्रिएट करते हैं तो वो कुछ इस तरह की क्रिएट होती है। यहाँ से आपको क्लाइंट आईडी मिलेगा CAPUB, जितना भी कोड होगा उसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे लाके आपने पेस्ट करना है। और ठीक ऐसे ही स्लॉट आईडी में जितना बीच वाला कोड होगा उसको जस्ट आपने कॉपी करना है और यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर देंगे। अभी मेरे यहाँ पे इनवैलिड फॉर्मेट आ रहा है, जैसे ही अगर आप प्रॉपर यहाँ पे फॉर्मेट ऐड करेंगे मतलब कोड ऐड करेंगे, आपने दोनों जगह सेव बटन पे क्लिक करना है। इसी तरीके से आप वर्डप्रेस में अपनी गूगल वेब स्टोरी को पब्लिश कर सकते हैं। ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।